तो भाई सैमसंग ने ना अपना नया मोबाइल लॉन्च कर दिया एफ सीरीज का, सैमसंग गैलेक्सी F55। तो भाई 25,000 रुपये के अराउंड में इन लोगों ने लॉन्च किया है। सैमसंग के बारे में भाई मैं कहना चाहूँगा यार, देखो जो एस सीरीज है इनकी, नो डाउट देखो अल्टीमेट है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं किसी के साथ उसका। बट ए सीरीज भी मुझे ठीक ठाक लगती है, बट भाई एम सीरीज और एफ सीरीज इसमें तो पता ही नहीं आ रही है ये लोग क्या खेला करते रहते हैं। और भाई ये मोबाइल भी अगर देखें ना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगा, अगर इसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बात करें तो मुझे ओवर प्राइस लगा, अच्छा खासा लगा। भाई इसी मोबाइल की बात करने वाले हैं आज की वीडियो में डिटेल में, क्या क्या इन लोगों ने दिया है, कैसा प्रोसेसर दिया है, कैसा कैमरा दिया है, कैसी डिस्प्ले दी है, चार्जर दिया है या नहीं दिया है, डिटेल में बात करने वाले भाई इस मोबाइल के बारे में। तो वीडियो को ना बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सैमसंग गैलेक्सी F55 इसी मोबाइल की बात करने वाले। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर की, तो दो कलर में इन लोगों ने लॉन्च किया है। जो पहला कलर है इसका वो है भाई एप्रिकोट क्रश करके इन लोगों ने दिया है, मैं कहूँगा ऑरेंज कलर है भाई, मुझे तो ऑरेंज कलर लगा डिटो है, बस नाम चेंज कर दिया एप्रिकोट क्रश, यार ये कोई नाम होता है कलर का बताओ। और जो दूसरा कलर है वो है भाई रेजिन ब्लैक, रेजिन ब्लैक, अरे सिंपल ब्लैक भी तो दे सकते थे यार, ये रेजिन लगाना जरूरी था क्या स्टार्टिंग में इसका, सिंपल ब्लैक नहीं दे सकते थे यार आप लोग। और भाई एक अच्छी चीज, इन दोनों ही कलर में आप लोगों को वीगन लेदर मिल जाता है, बढ़िया लग रहा है। देखो पहली बार सैमसंग में कहूँगा कि बढ़िया चीज लेके आया है कि वीगन लेदर लेके आया है। और बात करूँ अगर इसके वेरियंट की, तो तीन वेरियंट में मिल जाता है भाई, 8GB 128GB, 8GB 256GB और 12GB 256GB। LPDDR4X रैम मिल जाती है और UFS 2.2 का स्टोरेज मिल जाता है। बात करूँ अगर इसमें इस मोबाइल डिस्प्ले की, तो इसमें लोगों ने 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड प्लस की डिस्प्ले दी है। सुपर एमोलेड प्लस, ये सैमसंग का अपना ही है भाई एमोलेड प्लस। देखो सैमसंग है तो फिर डिस्प्ले मैं कहूँगा डाउट ही पैदा नहीं होता भाई, कोई 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है इसमें और 1000 nits की इसमें ब्राइटनेस मिल जाती है। और भाई इस पे आप लोग 4K तक वीडियो प्ले कर सकते हो। तो देखो सैमसंग है तो डिस्प्ले के बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता भाई, सैमसंग के आगे कोई बोल सकता है क्या? और हाँ भाई कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कभी ये लगे आप लोगों को तारीफ कर रहा है, झूठी मूठी तारीफ कर रहा है, पैसे ले लिए होंगे, पैसे खा लिए होंगे इसने, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और बात करूँ अगर इसके प्रोसेसर की, तो भाई इसमें लोगों ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 का प्रोसेसर दिया है, जो मैं कहूँगा एक बढ़िया वाला प्रोसेसर है भाई, धासु वाला, बिल्कुल गेमिंग प्रोसेसर नहीं कहूँगा इसको मैं, बट हाँ नॉर्मल मैं कहूँगा नॉर्मल यूज़ के लिए बढ़िया प्रोसेसर इसको कह सकते हैं। मैं एंटूटू स्कोर की बात करूँ इसके, तो भाई 5,80,000 के आसपास का इसका एंटूटू स्कोर आता है, जो मैं कहूँगा भाई ठीक ठाक है, क्योंकि भाई ये गेमिंग फ़ोन नहीं है, ये मैं कहूँगा डेली यूज़ के लिए नॉर्मल फ़ोन है, बढ़िया एक क्लासी से लुक के साथ। और बात करूँ अगर इस मोबाइल के कैमरे की, तो रियर में इन लोगों ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। जो इसका मेन कैमरा है वो है भाई 50MP का, जो OIS के साथ आता है। जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा है। जो तीसरा कैमरा है वो है 2MP का, जो कि एक मैक्रो कैमरा है। फ्रंट में इन लोगों ने 50MP का कैमरा दिया है भाई, फ्रंट में 50 दे दिया और रियर में 50 दे दिया, वाह भाई वाह। बात करूँ इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो इसके रियर से और फ्रंट से दोनों से आप लोग 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपटू 30 FPS, फ्रंट और रियर दोनों कैमरे से। वहीं बात करूँ अगर मैं इसके UI की, तो सैमसंग वन UI मिल जाता है इसमें, जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। और भाई सबसे अच्छी चीज सैमसंग की जो आजकल दे रहे हैं भाई, ये लोग 4 साल तक पूरे इसमें एंड्रॉइड अपडेट देंगे और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देंगे भाई। 4 साल मतलब अभी 14 दे रहे हैं, 15 मिलेगा, 16 मिलेगा, 17 मिलेगा और 18 मिलेगा, एंड्रॉइड 18 तक अपडेट मिलेगा भाई इसमें। तो मैं कहूँगा देखो एप्पल करता था जैसे, सैमसंग ये चीज़ बहुत अच्छी लेके आया है भाई। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है और भाई चार्जर इसमें आप लोगों को नहीं मिलता, चार्जर आप लोगों को बाहर से खरीदना ही पड़ेगा। वैसे 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है फ़ोन, Type-C to Type-C का इसमें केबल मिल जाता है, बस हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है इसमें, मतलब या तो 2 सिम डाल सकते हो या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। देखो मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया है, ये मुझे अच्छी चीज़ लगी। 3.5mm का ऑडियो जैक इसमें नहीं मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है और डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं। तो अब बात करूँ मैं पहले इसके प्राइस की, तो भाई जो इसका बेस वेरिएंट है 8GB 128GB, उसका प्राइस अभी के टाइम में इन लोगों ने दिया 26,999 भाई, 27,000 रुपये, मतलब 27,000 रुपये फ़ोन है भाई जो इसका बेस वेरिएंट है। अगर आप लोग 12GB वाला लेने जाओगे तो 33-34,000 रुपये का पड़ेगा आप लोगों को। और भाई फ्लिपकार्ट पर मिलेगा ये फ़ोन, अमेजन एम सीरीज बेचता है, फ्लिपकार्ट इनकी एफ सीरीज बेचता है सैमसंग की। तो देखो भाई 27,000 रुपये का फ़ोन है ये, अब 27,000 रुपये में लोग दे के आ रहे हैं। डिस्प्ले नो डाउट देखो, डिस्प्ले एक नंबर है भाई, कोई डाउट है ही नहीं। प्रोसेसर बढ़िया है भाई, बट गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, नॉर्मल यूज़ के लिए बढ़िया एकदम लाजवाब प्रोसेसर है। कैमरा सैमसंग का भाई कोई तोड़ है ही नहीं सैमसंग की। अब बचा क्या है, अपडेट मिल रहे हैं दबा दबा के 4 साल के, बैटरी 5000mAh की बैटरी मिल रही है, बट चार्जर आप लोग को बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो मान के चलो अगर आप लोग 1000 से 1500 रुपये का चार्जर भी लेते हो, 27,000 का फ़ोन, 1500 का चार्जर, मतलब ये फ़ोन पड़ा आप लोगों को 28,500 रुपये का, तो इसको 27,000 रुपये लेके मत चलना। तो भाई 27,000 रुपये का फ़ोन मुझे, देखो इसीलिए मैं कह रहा था मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस तो ये लगा, अगर मैं कहूँगा ना सब चीज़ मिला करके 25,000 रुपये के अंडर में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। देखो फोन ऑलराउंडर है नो डाउट, बढ़िया फ़ोन निकाला है सैमसंग ने,
बट भाई थोड़ा सा ओवर प्राइस है, मैं कहूँगा 3 से 4 हज़ार रुपये ओवर प्राइस है ये बिल्कुल है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस मोबाइल को लेकर के प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ज़रूर आप लोग को ओवर प्राइस लगा, आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस भाई वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।